और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर जिला जज कोर्ट में हंगामा हुआ है। वकीलों का हंगामा यहां पर देखने को मिला है, जिसके बाद पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस के बल ने बलपूर्वक यहां पर वकीलों को हटाया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जमानत की सुनवाई हो रही थी और उस दौरान जज और वकीलों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद ये बवाल जो है वो गाजियाबाद की जिला जज कोर्ट में देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने हैं यहाँ पर, जब बड़ी तादाद में पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाना पड़ा है और बलपूर्वक पुलिस वालों ने वकीलों को हटाया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, गाजियाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज का चैम्बर है, वहाँ किसी केस की सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के दौरान जो एक आरोपी है उसकी बेल को लेकर जो वकील थे और जो वहाँ पर जज थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके बीच में बहस हो गई और उसके बाद आरोप ये है कि वकीलों ने वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने वहाँ से बलपूर्वक, जैसा तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि लाठी डंडे भी चल रहे हैं, कुछ पुलिस वाले कुर्तियां लेकर वकीलों के पीछे भाग रहे हैं, तो पुलिस ने बलपूर्वक वहां से जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है वहां से वकीलों को हटा दिया है और अभी भी वहां पर जो वकील हैं वो हंगामा कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, कोर्ट रूम के अंदर जबरदस्त हंगामा हो रहा है और पुलिस वकीलों पर लाठी चार्ज करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ पुलिसकर्मी वहां पर जो है वो जज के पीछे, जो माफ करिए, जो वकील है उनके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बेल के मामले में सुनवाई के दौरान वकील और जज के बीच में बहस हो गई और उस बहस के बाद फिर वकीलों ने वहां पर हंगामा कर दिया कोर्ट रूम के अंदर और उसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज किया है और वकीलों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाला है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वकीलों और पुलिस के बीच टकराव साफ तौर पर वहां पर दिखाई दे रहा है। मुकेश, ये हैरान करती है तस्वीरें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कानून की रक्षा करने वाली ये जगह है, यहाँ पर कानून के रखवाले इन्हें कहा जाता है, और इस तरह से जज और वकीलों में ये जो बहस हो रही है ये अपने आप में काफी शर्मिंदा करने वाली स्थिति है। क्या अब पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति काबू में आ चुकी है? देखिए, अभी भी जानकारी मिली है कि अभी भी वहां पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है क्योंकि वकील पुलिस की कार्रवाई से नाराज हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। वहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले बुलाया गया है और हालात को काबू करने के लिए जो जिले के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी कोर्ट में पहुंच गए हैं, जिसमें SSP हैं, वहां के कमिश्नर हैं, माफ करिए, और इसके साथ में जो वहां के DM हैं, ये सभी लोग कोर्ट के अंदर हैं और अभी भी वकीलों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि जो टकराव है वो ना होने पाए। लेकिन कुछ देर पहले वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके कोर्ट रूम के अंदर जो है वकीलों और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। पहले जज से बहस हुई वकीलों की बेल के मामले को लेकर, उसके बाद फिर हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और पुलिस ने कोर्ट रूम में जाकर वकीलों को बलपूर्वक बाहर निकाला है और तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि पुलिस किस तरह से वकीलों को खींच खींच कर बाहर निकाल रही है और कुछ पुलिसकर्मी कुर्सी लेकर वकीलों के पीछे भागते हुए आपको नजर आ रहे होंगे इस फुटेज में। तो अभी वहां पर हंगामा जारी है और पुलिस वकीलों से बात करके हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। जी मुकेश, यहाँ पर जज और वकीलों के बीच जो बहस शुरू हुई जमानत के मामले को लेकर, क्या उस मामले को लेकर जानकारी मिल पाई है कि आखिर वो क्या मामला था जिसमें जमानत पर सुनवाई हो रही थी? देखिए, मामला पूरा क्या था ये तो पता नहीं है, लेकिन कोई एक आरोपी है, उसकी बेल एप्लीकेशन थी और उसको लेकर बेल के मामले में जो सुनवाई है वो हो रही थी। उसी दौरान जो जानकारी मिली है पुलिस की ओर से कि जज, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं और जो वकील हैं, उनकी तरफ से दोनों के बीच में बहस हो गई और उसके बाद आरोप ये है कि वकीलों ने कोर्ट रूम के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद जो जज का स्टाफ था उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने मौके पर जाकर वकीलों को बलपूर्वक वहां से कोर्ट रूम के बाहर से निकाला है। एग्जैक्ट जो मामला था वो क्या था ये पता नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से वकीलों और पुलिस के बीच में कोर्ट रूम के अंदर टकराव हुआ है और उसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग करके वकीलों को बाहर से निकाला है। तो अभी भी वहां पर कोर्ट रूम के बाहर और कोर्ट के अंदर काफी बड़ी संख्या में वकील मौजूद हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं ताकि मामला सुलझाया जा सके और तमाम जो वकीलों के, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मामला
यहीं पर सुलझ जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में ये बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वकीलों का हंगामा हुआ है। पुलिस को यहां पहुंचना पड़ा है, बड़ी तादाद में पुलिस बल पहुंचा है और यहां पर बलपूर्वक वकीलों को हटाने की कवायद की जा रही है। हंगामा ये अभी भी चल रहा है और फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक जमानत की सुनवाई के दौरान जज और वकीलों के बीच बहस हुई और उसके बाद स्थिति यहां तक पहुंच गई।